कटिहार जिला के कुर्सेला प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मधेली गुमटी टोला गांव में नाव दुर्घटना के बाद जिला पदाधिकारी कमल तनुज, आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार, बरारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज कुमार यादव सहित क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य गोपाल यादव खुद घटनास्थल पर पहुंचकर मामले पर जायजा लिया। वहीं जिला पदाधिकारी ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है जिसमें दो नाव डूबने की बात सामने आ रही है। अब तक इस मामले में 7 लोग लापता हैं, जबकि खगड़िया जिला से SDRF की टीम को भी बुलाया गया है। वहीं सुबह फिर इस पर खोजबीन की जाएगी। जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक और विधायक ने मृतक परिवार को सांत्वना दी। वहीं बरारी विधायक नीरज कुमार यादव ने कहा कि इस दुखद घटना में मृतक परिवार के साथ हर समय वह खड़े हैं। वहीं आपदा विभाग से मृतक परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की है। हाँ देखिए, कुर्सेला में यहाँ एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुई है और दो नाव पलटने की खबर है, उसी में हम लोग आए हैं और 7 लोगों के मिसिंग होने की अभी जानकारी है। तो SDRF की टीम को हम लोगों ने खगड़िया से बुलाया क्योंकि रात भी हो गई है। तो इसमें जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको किया जाएगा और जो भी निर्धारित मुआवजा की राशि है सरकारी नियमानुसार वो हम लोग तत्परता से और ससमय देंगे। जो इस कोरोना को लेकर सभी लॉकडाउन में फंसे हुए थे, इसी बीच प्रकृति का और कहर बरप रहा है, आंधी तूफान और पूरा दीरा इलाके में लोगों का परवल, बतिया, खीरा, तरबूज की बड़े पैमाने पर खेती होती है और स्वाभाविक रूप से सभी लोग दिन में जाते हैं फसल काट कर फिर बाज़ार तक पहुंचाने का काम करते हैं और उसी बीच ये आंधी का आ जाना अपने आप में ये इनके मौत का कारण बन गया। और पता नहीं मीडिया के लोगों को ये खबर हाथ लगी, उन्होंने ही फर्स्ट हमको बताया था, फिर हम जिला पदाधिकारी कटिहार से भी आग्रह किए कि आप आइए और हम लोग साथ चलेंगे, वो भी आ रहे हैं, कुर्सेला में साथ ही थे हम लोग और हम लोग देखेंगे जो सरकार का मापदंड है उस हिसाब से पीड़ित परिवार को तत्क्षण लाभ दिलाना है और जो हमारे स्थानीय गोताखोर हैं उनकी जवाबदेही है कि जल्द से जल्द हम लोग पानी से उन जो डेथ बॉडी है उसको बाहर करें और उनके परिजन को दें। और हम आपके माध्यम से सभी परिजन से आग्रह करेंगे कि आप धैर्य बनाए रखिए, यथासंभव हम लोग आपके साथ इस दुख के घड़ी में खड़े। दो नाव इस तूफान में एक्सीडेंट हुआ जिसके चलते एक नाव पर था 9 आदमी, एक नाव पर था 7 आदमी। 7 आदमी वाले में 4 आदमी मिला और 3 आदमी ट्रेसलेस है और 9 वाले में 4 आदमी मिला, 5 आदमी ट्रेसलेस है, जिसका छानबीन यहाँ के स्थानीय प्रशासन, ग्रामीण, गोताखोर के माध्यम से ये दुख के घड़ी में हम लोग तलाश रहे हैं और चाहेंगे प्रशासन से मांग करेंगे कि लाश मिलने उपरांत जो सिस्टम गवर्नमेंट का है उस हिसाब से तमाम लोग, गरीब लोग सब हैं और एक तो प्राकृतिक विपदा है, कोरोना का समस्या है और उस परिस्थिति में भगवान ये सब कर देते हैं तो समस्या बन गया है, इसका निष्पादन हो और जो सरकार का सिस्टम है 4 लाख रुपया करके वो देनदारी लोगों को लाभ के लिए, परिवार के लिए, ये लोग बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि वो लोग को पूर्ति करें। किस जगह पर है? इसी गंगा में तरबूजा का लोग खेती करते हैं, उधर से सब किसान लोग हैं, उधर से लौट के आ रहे थे, इसी क्रम में हवा उठी, अंधर उठा, जिसके चलते दो नाव डूबा और दो नाव डूबने के कारण इतना लोग ट्रेसलेस है। यहाँ के थाना अध्यक्ष, CO, अंचल पदाधिकारी लोग आए हैं, वो लोग से भी अनुरोध करेंगे कि सत्यता का पता लगा करके और लाश को ट्रेस किया जाए।